सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन चैनल का। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग क्यों, आपको पता है पल्सर RS 400 BS3 है, माइटी BS3, उसमें दिक्कत आ रही है यार। मतलब फ्यूल लेवल की इशू आ रहा है, जो भी मीटर पे फ्यूल गेज होता है वहाँ पे शो नहीं करता है। तो सीधी सीधी प्रॉब्लम जो आ रही थी हमारे फ्यूल लेवल सेंसर की आ रही है। एंड गाइस 99 RPM से मैंने लास्ट टाइम मंगाया था, और जल्दी इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो कल या परसों में आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी बताया जाओ फ्यूल लेवल सेंसर के बारे में सारी डिटेल्स। ये 99 RPM से मंगवाया मैंने, इसकी प्रॉपर कॉस्टिंग बैठी है 400 के आसपास, 277 इसकी तो MRP यही देखो है ना, और 133 रुपीज़। आज के यार काफ़ी ज़्यादा COD ले रहे हैं आपके, COD नहीं मतलब प्रीपेड ही है, 99 RPM वाले ज़्यादा चार्ज लगा रहे हैं। तो मतलब 400 रुपये के आसपास मेरा आ गया है BS3 का। BS4 में पता आपको इन बिल्ट है फ्यूल पंप असेंबली के अंदर ही, ठीक है। एंड गाइस बात करें सबसे अच्छी क्या देखने को मिली है मेरे को, जो फ्यूल लेवल सेंसर मिल गया साथ में, अच्छी पैकिंग है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है ना, ओरिजिनल सबसे बड़ी बात, और इसके साथ पैकिंग वगैरह आई है। सबसे अच्छी बात देखो मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, जो ये ना गैस्केट, जो टैंक और फ्यूल लेवल गेज की गैस्केट है ना गाइस, फ्री में मिली है, मुझे खुद यकीन नहीं है, मैं शौक कर देख करके। इसकी कॉस्टिंग भी अकेले की कॉस्टिंग 451 रुपीज़ है, और डिसकंटिन्यू हो चुका है, ठीक है। और अगर लेने भी जाओगे तो 450 रुपये के आसपास इसकी MRP है ना, और मतलब डिलीवरी आके आराम से 600 रुपीज़ की पड़ती है, 580 रुपीज़ के आसपास। और देखो इसी साथ ही मिला मेरे को, बहुत बड़ा चीज़ लगी मेरे को। अब आपको दिखाता हूँ इसकी एक बार किस तरह की क्वालिटी है फ्यूल लेवल सेंसर की। ये देखो गाइस है ना, इसकी क्वालिटी देखो आप, ये देखो है ना, यहाँ देखा ना गाइस किस लेवल की क्वालिटी देखने को मिलेगी आपका फ्यूल लेवल सेंसर की। बिल्कुल ब्रांड न्यू, ओरिजिनल, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कैसे डिफेक्टिव आया हो, ओरिजिनल आया है, ठीक है। इसकी गैस्केट हो गई बढ़िया वाली, और यहाँ पे इसका पार्ट नंबर वगैरह देख लो आप ना, ये देखो ना पार्ट नेम, फ्यूल असेंबली वगैरह, और वेंडर कोड भी सब चीज़ें दे रखी। बढ़िया चीज़ लगी मेरे को 99 RPM की। बाकी इसकी प्राइसिंग वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको एक बार ना, बहुत से लोगों को डाउट था ना कि यार क्या प्राइसिंग है, बजाज का ओरिजिनल है, पार्ट नंबर देख लो, DT 17 के आसपास का पार्ट नंबर है, ठीक है, DT 40 2600 फ्यूल लेवल असेंबली, और इसका 277 रुपये इसकी प्राइस है, ठीक है। ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी है ना, वो देखो बजाज की बॉक्सिंग पैकिंग वगैरह। एंड गाइस बात करें इसकी वो असेंबल करने की, तो जल्द ही नेक्स्ट डे या फिर 2-3 दिन में मैं असेंबल करके दिखाऊंगा किस तरीके से BS3 में इंस्टॉल करते हैं, और उसकी वर्किंग वगैरह किस प्रिंसिपल पर काम करता है। पुराना वाला काफ़ी चल गया यार, मतलब रिपेयर बार कर लिया था मैंने, काफ़ी बार टाइट कर दी इसकी नीडल, बट उसके बाद भी इशू आ रहा था है ना, तो वही कहना चाह रहा हूँ आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर इंस्टॉलेशन किस तरीके से होगी इसकी है ना। तो गाइस आज की वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपकी क्वेरी ना मुझसे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गुड वीडियोज़।